अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम डेटा न्यूज़। माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस, क्राइम डेटा न्यूज़, हैदराबाद। फलकनुमा पुलिस ने दो शातिर खातूनों को गिरफ्तार किया। आसिया परवीन 36 साल, रजिया परवीन 32 साल। इनके कब्जे से 3.5 तोला गोल्ड, 21 तोला चांदी, 38 सेलफोन और कई महंगे साड़ियां बरामद कर लिए और इनको आज अदालती तहवील में दे दिया। ये सारे तफसीलात ACP फलकनुमा सैयद फैयाज ने बताया। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आज फलकनुमा पुलिस स्टेशन के फ्रंट लाइन में दो खवातीन हिरासत में ले लिया था। आज सुबह 8:30 बजे अचरेली नगर में रजिया और आसिया नाम वाली दो औरत जनाना चुनों से कब्जे से 3.5 तोला सोना, 21 तोला चांदी और साड़ियाँ और 38 सेलफोन्स उनके पास से बरामद किया गया है। हमारे पास ये केस था जो साड़ियों का ये लोग सरका कर चुके थे, वो सरके वारदात में हमारे क्राइम टीम फलकनुमा में तहकीकत करते हुए ये तो जो खवातीन चोरों को आज सुबह पकड़ लिया गया है, वो लोगों के कब्जे से जो भी मैं बताया गया हूँ उसके कब्जे से उनके पास बरामद करके आज उन लोगों को अदालत में पेश किया जा रहा है। सोना, 21 तोला चांदी और 38 सेलफोन्स और साड़ियाँ हैं और ब्लाउजेस हैं जो भी हैं हमारे पास। मतलब ये पहले से मुलाकात रिकॉर्ड हम तहकीकात कर रहे हैं, अभी बाद में मालूम होगा पुलिस कस्टडी लेने के बाद अभी लोग दूसरे वारदात में भी शामिल है या नहीं बोलते हम तहकीकात करेंगे। सर, इसमें इतने पैन कार्ड, वीज़ा कार्ड वगैरह जो भी है जी, कौन से क्या इन लोगों के पास से इतने जब निकलने के बाद क्यों अब तक कोई कौन सा ये लोग उनके पास इतना रिकवरी हो रहा है, इतना चोर ये लोग कंप्लेंट नहीं किए हैं हमारे, अभी तक तो कंप्लेंट कहीं भी इलाज नहीं हुआ है और टाइम कम होने की वजह से हम मजीद तक इवेंट कर रहे हैं, कहीं भी इनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स है क्या वो भी देख रहे हैं। मतलब इन लोगों के भी अभी तहकीकत कर रहे हैं, उसके एंगल में तो अभी तक तो कुछ नहीं बता सकते। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम डेटा न्यूज़।